दोस्तों आज बॉलीवुड को हर तरफ से बॉयकॉट किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों कई लोगों का कहना है कि बॉलीवुड के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वो मूवीज़ साउथ की कॉपी करते हैं और इसी से बॉलीवुड का घर चल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आज यह हवा इसलिए बन रहा है कि कई फिल्में बॉलीवुड ने साउथ इंडस्ट्री की कॉपी करके सुपरहिट दी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सुपरस्टार रजनीकांत, अगर सुपरस्टार का टैग उन्हें मिला है तो उसका कारण कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हैं। रजनीकांत ने दोस्तों आपको बता दें, अपने करियर के शुरुआती दौर में एक नहीं दो नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन की 17 फिल्मों का रीमेक किया था। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री ने ही ये सिलसिला शुरू किया था। जब अमिताभ बच्चन की एक के बाद एक करके फिल्में हिट होती थी और तुरंत रजनीकांत उसका रीमेक बना देते थे, जिनमें से कईयों का नाम हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्में कॉपी की है, जिसमें सबसे मेन है अमर अकबर एंथनी, जिसको शंकर सलीम साइमन नाम से रजनीकांत ने रीमेक किया था। इसके अलावा खून पसीना मूवी को शिवा नाम से रजनीकांत ने बनाया। इसके अलावा भी कस्मे वादे फिन बनी, धर्मठीन थलाइवन और दोस्तों डॉन भी बिल्ला के नाम से साउथ इंडस्ट्री में छाई रही। इसके अलावा लावारिस को पनकारन से और नमक हलाल बनी विलाई करण, और अमिताभ बच्चन की सुपर डुपर हिट मूवी दीवार को थी नाम से रिलीज़ किया रजनीकांत ने, और त्रिशूल को किया भारत नाम से रिलीज़, खुद्दार बनी पडिकवन और मर्द बनी माविरन। ऐसे दोस्तों कई सारी फिल्में और हैं जो रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन की कॉपी की थी और सुपरस्टार रजनीकांत आज शीर्ष स्थान पर आते हैं। लेकिन महानायक की फिल्में अगर रजनीकांत के पास नहीं जाती तो शायद रजनीकांत आज इतने बड़े सुपरस्टार नहीं होते। तो जो भी साउथ इंडस्ट्री से कहते हैं कि बॉलीवुड कॉपी करता है, तो करियर की शुरुआती दौर से ही साउथ इंडस्ट्री हमेशा से ही बॉलीवुड को कॉपी करती हुई आई है। चाहे वो मुन्ना भाई MBBS की कॉपी हो या कई अन्य फिल्में, साउथ ने भी कई दफ़ा बॉलीवुड की फिल्मों को कॉपी किया है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, पहले जो हिंदी फिल्में थी साउथ की लैंग्वेज में नहीं बनती थी तो वो कॉपी की जाती थी, और जब साउथ की फिल्में हिंदी में नहीं बनती थी तो वो बॉलीवुड वाले कॉपी करते थे। ऐसे में दोस्तों ऐसा लगता है कि ये जो कॉपी का चलन है वो दोनों ही सिरों से बराबर है, तो किसी एक इंडस्ट्री को बुराई करना सही नहीं होगा। खैर, अमिताभ और रजनीकांत में से आपकी नज़र में कौन बड़ा सुपरस्टार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो ताकि और भी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।